Very good afternoon, students. Now we are going to start our new topic, and that is the ribosome. Ribosome हमारे cell का बहुत ही important हिस्सा है, और ribosome की synthesis हमारे nucleolus, which is very important part of our nucleus, वहाँ होती है. वहाँ से निकल के हमारा ribosomes हमारी cell में cytoplasm में आ जाता है. पहले ये हमारी endoplasmic reticulum के surface पे जाके attach हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ हो जाती है, तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. लेटर इट डिटैच फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारी सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत ही स्मूथ हो जाती है, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. तो राइबोसोम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एंड दैट इज द मेम्ब्रेन लेस पार्ट ऑफ द सेल. हमारी सेल का मेम्ब्रेन लेस है, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड इट इज ग्रेन्यूल लाइक, इट इज सीम्स टू ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने दाने जैसी हमारे साइटोप्लाज्म में जो पार्ट पाया जाता है उसे हम राइबोसोम्स कहते हैं. क्या एग्जैक्टली हमारे राइबोसोम ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं? नहीं. दीज आर प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, एज वेल एज दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. तो हमारे राइबोसोम दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, एक्सेप्ट आरबीसीज. आरबीसीज में हमारे राइबोसोम्स हैं, उनकी उनका जो प्रेजेंस है वो नहीं होता है आरबीसीज में हमारे, क्योंकि आरबीसीज में हमारा न्यूक्लियस भी नहीं होता है, तो हमारे राइबोसोम्स भी आरबीसीज में नहीं पाए जाएंगे. तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं और हमारे यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्या वो दोनों सेम हैं? तो देखिए जरा, नहीं. राइबोसोम जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं, और जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं वो 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं. प्रोकैरियोटिक ribosomes, in prokaryotes there is presence of 70S type ribosomes. In case of eukaryotes presence of 80S type ribosomes. और 80S टाइप राइबोसोम्स क्या होते हैं? उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे राइबोसोम्स हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की थी? सो राइबोसोम्स वॉज डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल, as well as in animal cell. In case of plant cell, it was discovered by two scientists, Robinson and Brown, in 1953. In 1953, हमारे प्लांट सेल के राइबोसोम्स डिस्कवर्ड हुए, और वो डिस्कवर्ड किसने किए? रॉबिन्सन और ब्राउन. दूसरा एनिमल सेल, में भी राइबोसोम डिस्कवर्ड हुए, वो किन्होंने किया? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेट, इन कप, 1955. तो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम, दैट राइबोसोम इज
discovered in plant cell, ribosomes are discovered in plant cell by Robinson and Brown in 1953, and in case of animal cell, it was discovered by Pallad in 1955. Now let's draw the types of ribosomes present in prokaryotes and eukaryotes. In case of prokaryotes, there is 70S type ribosome present, and this 70S type ribosome having two subunits. One is large subunit and second one is small subunit. This large subunit is made up of 50S and small subunit is made up of 30S. This is large subunit. This is small subunit. 70S type ribosome होता है हमारे prokaryotes में, जिसकी दो units होती हैं, एक 50S और दूसरी 30S. दोनों को मिला के हमारी 70S type पर ribosome तैयार होता है. उसी तरह से हमारे prokaryotes के केस में तो ये हो गया. उसी तरह से हमारे eukaryotes के केस में देखिए जरा. Eukaryotes ke case mein there is a presence of incytosol, there is presence of 80S type ribosome. Same it also having both subunit, large subunit as well as small subunit. This large subunit is large subunit and large subunit, and this is small subunit. This large subunit in case of eukaryotic cell, it is made up of, yeah, it is 80S and next 40S. So it is total, this is the 80S type ribosomes. क्योंकि जब इनकी फॉर्मेशन होती है, इनकी ओवरलैपिंग होती है, तो ये इस तरह से ओवरलैप करती हैं. अब आप इसको देखने से सोच रहे होंगे कि इट शुड बी 100S, बट दिस इज नॉट 100S, दिस इज 80S. तो इसके जो 20S है वो ओवरलैपिंग में जब फॉर्मेशन हुई इनकी, जब इनकी फॉर्मेशन होती है, जब इनकी बॉन्डिंग होती है, तो ये टोटल हमारी 80S बनाती है. सेम ये टोटल हमारी 50S और 30S 80S बनाना चाहिए, लेकिन ये कितना फॉर्मेशन करती है, इट फॉर्म 70S ट्राइब राइबोसोम. एंड 70S ट्राइब राइबोसोम है तो इसका जो 10S है वो इनकी ओवरलैपिंग में हमारा जो टोटल मेजरमेंट होता है वो 70S होता है. लेकिन हमारी यूकेरियोटिक सेल के दो ऑर्गन ऐसे हैं, फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया and second is plastid, means chloroplast. Mitochondria में भी अपने ribosomes इसके matrix में पाए जाते हैं. वो कौन से होते हैं? Mitochondria is a part of, या it is a organelle of eukaryotic cell. और अभी अभी मैंने बताया कि eukaryotic cell है उनमें 80S type ribosome होता है, लेकिन यहाँ mitochondria में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकेरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनेल होता है, और वहाँ उसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं. वो कौन से राइबोसोम्स होते हैं? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम्स. एंड इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लांट सेल, एंड प्लांट सेल का पार्ट है तो ऑब्वियसली वो भी यूकेरियोटिक सेल है. तो यहाँ पे भी 80S type ribosome होना चाहिए, बट यहाँ नहीं होता. यहाँ पे भी इसके स्ट्रोमा में भी कौन से टाइप का ribosome पाया जाता है? It also having 70S type ribosome. तो आप कह सकते हो कि हमारे prokaryotes में सिर्फ 70S type ribosome पाया जाता है, but in case of eukaryotic, there are both type of ribosome present. 80S साइटोप्लाज्म में, और बाकी जो 70S हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में पाया जाता है. अब आगे देखते हैं कि ये जो हैं हमारे राइबोसोम्स, ये हमारी सेल के लिए काम क्या करते हैं? ये राइबोसोम हमारी सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. कैसे करते हैं? हमारे 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, आरएनए, डीएनए, आरएनए.
तो हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में जो आरएनए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो मैसेंजर आरएनए, सेकंड इज ट्रांसफर आरएनए, थर्ड इज आरआरएनए, मींस राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए ये हैं, ये हमारे एमआरएनए को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं और इसकी स्मॉल सब यूनिट से आके हमारा एमआरएनए ऐसे अटैच हो जाता है जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल, वो स्ट्रक्चर हमारा इस टाइप का होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। जस्ट लुक हियर, दिस इज अ स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एंड दिस इज द एमआरएनए स्ट्रैंड, एमआरएनए स्ट्रैंड दिस इज, एंड दिस look like a structure, and this structure is made up of mRNA strand and many ribosome. That's why this is known as polyribosome, polyribosome means बहुत सारे ribosomes एक दूसरे से mRNA strand की help से एक दूसरे से गैदर्ड हो गए एंड दे आर गोइंग टू बी रेडी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे राइबोसोम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल। प्रोटीन में सेल बनेगा और सेल ग्रो करेगी। सो ये फंक्शन है, दिस इज नोन एज राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। Ribosomes are protein, they help in protein synthesis, that's why these are known as protein factory. Ribosomes are protein factory because they synthesize protein. Next cell organelle is lysosome. लाइसोसोम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एंड कभी कभी ये बहुत खतरनाक भी बन जाता है। इट इसकी डिस्कवरी देखिए, इट वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, डिड यू, इन 1955। लाइसोसोम इज द organelle of the cell which is formed by the vesicles of the Golgi bodies. हमारी cells में ऐसे ही formation होती है nuclear membrane से endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum कौन से type की? Rough endoplasmic reticulum, then smooth endoplasmic reticulum, and then Golgi bodies. Golgi bodies के vesicles से हमारे ऐसे structure बने हैं जिनको हम lysosome बोलते हैं। Lysosome को suicidal bag भी बोला जाता है because it having many enzymes. And these enzymes are hydrolase enzyme. ये hydrolase enzyme होते हैं और इनकी जो pH है जिस पे ये बहुत ही highly activate हो जाते हैं, that pH is about 4.5. इनके pH 4.5 तक हो जाती है तो ये बहुत ही हाईली एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ये इनकी पीएच है जिसके बेस पे हमारे एंजाइम्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करेंगे तो ये फॉस्फेट ग्रुप को भी, फॉस्फेट है उसको भी डिग्रेड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। न्यूक्लियस भी इनके अंदर होता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस एंजाइम भी होता है जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इनमें लिपेज एंजाइम भी प्रेजेंट है, लिपेज एंजाइम जो हमारे लिपिड्स को, इनमें ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम विच ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है। तो ये सारे एंजाइम्स हैं हमारे, ये हमारी सेल्स के, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि ये हमारे सेल्स के रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाते हैं।
लेकिन ये बहुत खतरनाक ही भी हैं, क्योंकि जब ये सुपर एक्टिव हो जाते हैं या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो ये हमारी उसी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम हमारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम एंड ऑटोफैगी लाइसोसोम। ये हमारी ऑटोफैगी लाइसोसोम, तो हमारी लाइसोसोम है, एक ही लाइसोसोम कई फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे पॉलीमॉर्फिक भी कहा जाता है। दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिक, और ये पॉलीमॉर्फिज्म को भी शो करता है, इट इज शोइंग द पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे लाइसोसोम है दैट इज डाइजेस्ट द वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाइनली ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल्स में जाके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐड हो जाता है, या फिर ऐड होने का मतलब है उसके साथ जाके कंपोज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये हमारे लाइसोसोम के बारे में था। लाइसोसोम इज नोन एज अ सुसाइडल बैग, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सेल के वेस्ट मटेरियल को ऑटोफैगी प्रोसेस के द्वारा खा जाता है। इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो pH 4.5 पे एक्टिवेट होते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियस एंजाइम, लिपेज एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम, एंड ये सारे कलेक्टिवली हाइड्रोलेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम भी होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करें, एंड फॉस्फेटेज एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप को डाइजेस्ट कर जाएं, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स, तो काफ़ी सारे एंजाइम्स हमारे लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करेंगे आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करें।